आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नज़र हर खबर। न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम नीतीश कुमार के अररिया महाविद्यालय अररिया आगमन पर परिषद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया कि अररिया जिला के किसी भी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जो अत्यंत खेद का विषय है। एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिष्टमंडल ने नीतीश कुमार को अररिया महाविद्यालय अररिया में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए, इस मांग को सभी के बीच रखा। अररिया के जनजीवन हरियाली मिशन के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भीसी के माध्यम से अररिया महाविद्यालय अररिया में अगले सत्र से पीजी की पढ़ाई भी शुरू करवाने जा रहा हूँ, जिसमें पीजी न कर पाने तथा बाहर से पीजी करने वालों को सुनहरा अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया छात्र छात्राओं को दिया, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक दीपक कुमार मंडल, प्रदेश कार्यकारिणी समिति अजीत रंजन व विकास कुमार मंडल, कन्हैया मिश्रा परिषद कार्यकर्ता आदि कर रहे थे। आज आपने सीएम साहब को जो मांग पत्र सौंपा, उसमें पीजी के पढ़ाई के लिए सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, अररिया जिला जो है अति पिछड़ा जिला है, यहाँ स्नातक करने के बाद छात्र आगे नहीं पढ़ते हैं। अररिया महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई होना चाहिए, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह सोचा है कि आज नीतीश कुमार आए, उसको हम मांग पत्र दिए। यहाँ के बच्चे स्नातक करके आगे पीजी की पढ़ाई अररिया महाविद्यालय में ही होना चाहिए, तो नीतीश कुमार आश्वासन दिए। कुलपति महोदय भी थे पूर्णिया विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर राजेश सिंह, उसको बोले कि अगले सेशन से नियमित क्लास हो और नामांकन हो। और मुख्यमंत्री भी आज भरी सभा में बोला गया कि हमको छात्र लोग ज्ञापन दिए और अगले सेशन से MA पढ़ाई चालू हो जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत रंजन है, छात्र संघ महासचिव। आप विद्यार्थी परिषद में किस पद पर हैं? विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। आज जो मुख्यमंत्री को आवेदन जो दिया गया, आप लोगों के मन में क्या उत्साह जग रहा है? इसमें उत्साह, सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आज सीएम साहब इतनी भरी सभाओं में अपने मन से बोले कि अररिया महाविद्यालय में पीजी का पढ़ाई अगले सत्र से चालू होगा, और ये अररिया जिला के गौरव की बात है। यही आश्वासन दिया हमारे सीएम साहब आज अररिया में। विकास कुमार मंडल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अररिया। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नज़र हर खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।